guys, good evening and welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me, your Pooja, and welcome back to another exciting video, guys. So, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक Amazon जंपसूट हॉल. मैंने इस टाइम पे सोचा कि चलो कुछ स्पेसिफिक जंपसूट को ट्राई देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो ओवर हाइप्ड है ऑन Amazon एंड साथ ही साथ वो बजट में भी फिट हो जाता है. तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ही ट्राई देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैं हर महीने आप लोगों के साथ एक Amazon हॉल शेयर करती हूँ. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है शेयर करने में. तो आज की वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा क्या आपको ये खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर आप एक जंपसूट खरीदना चाहते हो, दो चाहते हो, तीन चाहते हो, तो आप किस तरीके की चॉइस मतलब सिलेक्ट करो, यू नो व्हाट आई मीन. तो आज की वीडियो इससे स्टार्ट करते हैं. लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट. आपको यहाँ पे धुआं धुआं नजर आ रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम अ बंगाली एंड मेरे घर पे पूजा पाठ भी होती है, तो यहाँ पे धूप जल रही है, ऐसा मत सोचना कि कुछ अलग है. एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस जंपसूट के साथ. एज यू कैन सी, और ये लेंथ में शॉर्ट है, लाइक जो जंपसूट आपकी नीज या फिर थाइस तक आती है ये उस लेंथ में है. ये कुछ ब्रांड आर्या की तरफ से है एंड ये पूरी की पूरी फ्लोरल प्रिंट में आपको मिलता है. मैं बस इतना कह सकती हूँ कि समर के लिए ये एक प्रॉपर जंपसूट है अगर आप कंफर्टेबल हो इस लेंथ की ड्रेसेस वेयर करने के लिए. और मेरे पास इस टाइम पे जो साइज है वो है एस. इसकी जो प्राइस है वो है जस्ट 399 रुपीज. लेकिन अभी आपको नीचे मैं तो सभी जो जंपसूट है उसकी लिंक प्रोवाइड कर ही दूंगी, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस इधर उधर हो सकता है, आपको ज्यादातर कम में ही मिल जाएगा. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मटेरियल की, तो इसकी जो मटेरियल है वो थोड़ा सा जॉर्जेटी काइंड ऑफ लाइक जॉर्जेट एंड सिल्क को मिलाते हुए जो एक मटेरियल होता है वो है. आपको कमर की तरफ लाइक वेस्ट की तरफ इलास्टिक मिल जाता है जिसकी वजह से ये उस चीज को होल्ड करके रखेगा. बस इसकी जो एक चीज मुझे थोड़ा सा ये लगा वो है इसकी फ्रंट सेक्शन. इसकी फ्रंट सेक्शन काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आप इसको एक ट्यूब ब्रा के साथ वेयर करो, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स है वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो थिन है. इसी वजह से यहाँ पे शायद 1 इंच या फिर 1.5 इंच होगा. तो पहले जो जंपसूट है वो है ये. प्राइस के हिसाब से मुझे ओके ओके लगा. गाइज, नेक्स्ट जंपसूट में जाने से पहले अगर आपको ये लुक पसंद आ रही है, एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्लीज दीदी इसकी ट्यूटोरियल शेयर करो, ट्यूटोरियल शेयर करो, एंड मैं भी कितनी अमेजिंग हूँ कि मैं साड़ी पहन के वेस्टर्न आउटफिट की हॉल कर रही हूँ. यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन, वॉट एवर इट इज. तो इसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, एक चिटचैट वीडियो होगा एंड बहुत राज मैं उसमें खोलने वाली हूँ, ठीक है. देन मैंने अगेन लिया है एक शॉर्ट लेंथ की जंपसूट एंड ये कुछ ब्लैक कलर में फ्लोरल प्रिंट में है, आप देख सकते हो. इसकी जो प्राइस है वो है 399 रुपीज एंड ये कुछ ब्रांड एब्जॉर्बिंग की तरफ से है. इसमें आपको और 2-3 ऑप्शंस मिल जाएगा मतलब इस तरीके की फ्लोरल प्रिंट में. एंड इसमें जो मेरी साइज है वो है एस. बहुत ही प्रिटी है. इसकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, ये वाली जो जंपसूट है इसमें कोई भी लाइलिन या फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अंदर से नहीं दिया गया ये वाइट होते हुए भी, लेकिन इसमें आपको अंदर एक लाइलिन मिलती है. इसकी जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा गर्म होगा, बस थोड़ा सा ही होगा, लेकिन अच्छा है, आपको कंफर्टेबल लगेगा. एंड यहाँ पे आपको स्पेगेटी स्ट्रैप्स मिलता है. अगेन अगर आप कंफर्टेबल हो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. मुझे बस जो इस तरीके की स्ट्रैप्स होती है मुझे बस ये वाली चीज पसंद नहीं होती है, क्योंकि ये कुछ ब्रा जैसा दिखने में लगता है, लेकिन जब मैंने इसको वेयर किया था काफी डिसेंट, काफी प्रिटी लग रहा था. यहाँ पे वेस्ट की तरफ आपको एक नॉट दिया जाता है जिसकी वजह से आप वेस्ट को थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हो एंड वो एक बैगी वाला फील आ सकता है. ऑल ओवर मिला के ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है. मैं 5 फिट 8 इंचेस की हूँ एंड उसके हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो मेरी बस थाई तक ही आती है. जब नीचे झुकूंगी वो भी नॉर्मल है, कुछ एक्सपोज नहीं होगा. सामने एंड पीछे दोनों तरफ ही वी कटिंग आप देख सकते हो. ये जंपसूट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है एंड डेफिनेटली आई विल मेक मोर वीडियोस वेयरिंग दिस वन. देन मैंने यहाँ पे लिया है इस एनिमल प्रिंट जंपसूट को. ये कुछ ब्रांड फैबली की तरफ से है. फैबली एक अच्छा ब्रांड है, बस थोड़ा सा प्राइसी है इनकी जो क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, लेकिन हाँ प्राइस बजट के हिसाब से पैसा वसूल है. मेरी जो इसमें साइज है वो है एस. ये फुल लेंथ में आपको मिलता है एंड अगर आप 5 फिट 8 इंचेस हो उसके हिसाब से ये एकदम ही प्रॉपर है. अगर आप उससे थोड़ी सी शॉर्ट हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, एंड अगर आप काफी ज्यादा ही शॉर्ट हो
तो आपको हील्स वगैरह वेयर करना होगा, आइदर आपको ये ऑर्डर करवाना होगा। इसकी जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, लाइक कॉटन एंड थोड़ा सा सिल्क मिक्स किया गया है। इसकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, इसकी कंफर्ट। फ्रंट सेक्शन में काफी ज्यादा ही ओपन है, यहाँ पे चेन दिया गया है एंड ऊपर की तरफ आपको 3 बटन मिलता है, कॉलर दिया गया है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है ग्लास स्लीव्स। की जो प्राइस थी वो थी कुछ 1029 और अंडर 1000। अगर आपकी बजट इतना है, लाइक 1000 रुपीज कम नहीं होता है, अगर है यू डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी ऑन दिस वन। उसके बाद मैंने लिया है इस स्ट्रैप जंप सूट को। बाय द वे ये कुछ ब्रांड प्राचिक फैशन की तरफ से, ये ब्लैक व्हाइट एंड रेड इन कलर में है, आपको लंबा लंबा स्ट्राइप यहाँ पे मिलता है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये बहुत ही ज्यादा ओवर रेटेड है अमेजन में। इसकी जो प्राइस है वो भी काफी कम है, 449 रुपीज में आपको मिलता है। साइजेस भी अवेलेबल है अप टू XL और XXL। मुझे ये पसंद है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया है, लेकिन इसकी जो बात मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा वो है इसकी जो कमर वाली सेक्शन है वहां पे आपको ये इलास्टिक मिलता है एंड अगर आपके हिप पोर्शन काफी ज्यादा हैवी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी हिप्स मेरी तरह है तो वो थोड़ा सा डिसगस्टिंग लगता है मेरे ऊपर पर्सनली, मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा बस यही वाली पोर्शन। तो मैं क्या करूंगी, डेफिनेटली इस इलास्टिक को निकाल दूंगी, उसके बाद इट विल लुक गुड ऑन मी। एंड पीछे की तरफ आपको मिलता है इस तरीके की दो क्या कह सकते हो आप स्ट्रिप्स, जिसको आप बांध के एक सेक्सी सा बैकलेस काइंड ऑफ लुक दे सकते हो, बहुत ही प्रिटी है। ओवरऑल इसकी जो ये वाली पोर्शन है बस यहाँ से आपके अगर बस्ट बहुत ही हेवी है तो थोड़ा सा निकल जाएगा, जो कि मेरे साथ हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं इसके अंडरनीथ एक ट्यूब ब्रा या फिर एक शॉर्ट टीस कुछ भी वेयर करके देन इसको वेयर करूंगी। ओवरऑल मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। सबसे अमेजिंग बात लगा इसको आपको आयरन नहीं करना पड़ेगा, बस आप धो दो नॉर्मल सुखा लो, तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया था उनमें से। ओके नेक्स्ट अप आई हैव दिस वन, ये कुछ ब्रांड मैग्नेटिक की तरफ से है एंड ये काफी ज्यादा लंबा है। इसकी प्रिंट आप देख सकते हो वो थोड़ा सा फंकी काइंड ऑफ प्रिंट है, साथ ही साथ बहुत ही क्लासी है। ये जंप सूट एब्सोल्युटली डिफाइन करता है मेरी टेस्ट ऑफ फैशन, टेस्ट ऑफ स्टाइल को, एंड मुझे इस तरीके की ड्रेसेस वेयर करना काफी पसंद है। अगर आप एक ऑफिस गोइंग वुमन हो, मैं बस यही कहूंगी एक बार इसे बस पिक कर लो, आपको बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाली है यार। जो मैंने इसको वेयर किया था एंड मैंने खुद को देखा लाइक दिस इज सो डैम गॉर्जियस, मैं डेफिनेटली इसको बहुत बार वेयर करने वाली हूँ। इसकी जो ट्राउजर है इवन वो भी काफी अमेजिंग सा मटेरियल के साथ आपको मिलता है, थोड़ा सा जॉर्जेटी काइंड ऑफ मटेरियल है, लेकिन इसके अंदर की जो फैब्रिक है आप देख सकते हो वो बिल्कुल ही सैटिन जैसा है, इतना आराम देता है। हाँ डेफिनेटली इसकी प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी जो प्राइस थी वो थी 1273 रुपीज। इस हॉल में ये सबसे ज्यादा महंगा है, तो मुझे लगा कि ये ओट बाई है, डेफिनेटली ये ओट बाई है। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक अच्छा सा जंप सूट के ऊपर, मैं कहूंगी आप बाकी सब छोड़ दो, ये वाली पिक कर लो। इसकी भी जो लेंथ है वो 5 फीट 8 इंचेस के हिसाब से एकदम प्रॉपर है, अगर आप उससे शॉर्ट हो तो आपको हील वेयर करना होगा। एंड लास्टली मेरी जो साइज है इसमें वो है एस। ओके नेक्स्ट अप आई हैव दिस वन, ये एक मैक्सी काइंड ऑफ फिट एंड फ्लेयर जंप सूट है। इसकी जो फैब्रिक है वो पूरी की पूरी हिंदी में गेंजी को क्या कहते हैं, लाइक वो रेयन काइंड ऑफ एक फैब्रिक दिया जाता है, आपकी स्किन के साथ ये थोड़ा थोड़ा सा ना वो लाइक चिपक जाता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक काइंड ऑफ है। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ कि इसको पहनने के बाद क्या आपको कंफर्ट महसूस होगी, डेफिनेटली होगी। बस एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई है वो है इसकी ये बैक स्ट्रिप्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेड करते हुए पूरा ये जो स्लीव है वो गया है एंड पीछे की तरफ थोड़ा सा हल्का मतलब एक ही स्ट्रैप आपको मिलता है, वो भी स्पेगेटी वाला। तो बस ये चीज छोड़ के मुझे बाकी पूरी जो मतलब स्टाइल है, पूरी जो जंप सूट है वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। सामने की तरफ आपको वी नेक मिलता है एंड इसे पहनने के बाद हर एक कॉम्प्लेक्शन के ऊपर ये काफी ज्यादा निखर के आएगा, तो आप और भी ज्यादा वो ब्राइट दिखने लगोगे। इसकी जो प्राइस थी वो थी कुछ 530 और 35, मुझे लगा कि उस अमाउंट में ये ओट बाई है। उसके बाद गाइस मैंने लिया है इस जंप सूट को, ये फ्लोरल प्रिंट में है ऊपर के सेक्शन में एंड नीचे के सेक्शन में पूरी की पूरी ब्लैक है। अगेन इसकी जो मटेरियल है वो रेयन में है एंड इसकी जो प्रिंट है वो काफी क्यूट है। अगर आप एक स्कूल गोइंग हो या फिर अगर आप रिसेंटली में ही कॉलेज जाना स्टार्ट किया है, वैसे भी पेंडेमिक के टाइम में कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, बट
स्टील. अगर आप लेना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन. आप इसे पहन के घूम भी सकते हो, नाच भी सकते हो, कूद भी सकते हो, ट्यूशन में भी जा सकते हो. लाइक सभी तरीके की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है. पीछे के सेक्शन में आपको चेन मिलता है एंड इसकी जो कॉलर सेक्शन है, लाइक इसकी जो नेक है वो राउंड नेक में आपको मिलता है. आपको यहाँ पे अगेन छोटे छोटे स्लीव्स मिलते हैं जो कि काफी क्यूट बनाता है. एंड इसकी वेस्ट की तरफ आपको सामने मिलता है ये वाली एक बेल्ट जिसमें भी फ्लोरल प्रिंट दिया गया है. एंड पीछे के सेक्शन में आपको मिलता है यहाँ पे इलास्टिक टेक जिसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा बैगी काइंड ऑफ लुक दे सकते हो. इसमें आपको तीन चार साइजेस अवेलेबल मिल जाता है. इसकी जो प्राइस है वो है जस्ट 449 रुपीस. प्राइस के हिसाब से मुझे लगा कि ये डेफिनेटली एक ओट बाई प्रोडक्ट है. बस ये मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट है. थ्री क्वार्टर अगर आप सोच लो तो उसके हिसाब से ये चला जाता है. मुझे पर्सनली थ्री क्वार्टर पहनना पसंद नहीं है. वो एंकल लेंथ जिसे कहते हैं. मुझे ज्यादातर जंप सूट्स फुल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है. तो नेक्स्ट जो पीस है वो है ये एंड दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड आर्याना और आव्याना. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैंने लिया है इली लंडन की तरफ से मेरी ये फेवरेट वाली जंप सूट. इली लंडन इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स क्योंकि इनकी जो मटेरियल होते हैं अमेजिंग होता है. जो कलर की कलेक्शन होता है वो अमेजिंग होता है. जो एक स्टाइल होता है, डिजाइन होता है, हर एक स्टिच होती है वो काफी ज्यादा परफेक्ट होता है. तो मुझे इली लंडन की ड्रेसेस बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा. एंड मैंने एक चीज देखा है कि इली लंडन ज्यादातर एक ही फैब्रिक यूज करते हैं. थोड़ा सा रेयन काइंड ऑफ फैब्रिक में है बट आपको कंफर्ट देता है. तो इसकी जो सामने वाली पोर्शन है वो कुछ इस तरीके का है. एंड पीछे की तरफ आपको यहाँ पे मिलता है चेन के साथ. इसी कलर में आपको एक बेल्ट भी रिसीव होता है. मेरी हाइट के हिसाब से अगेन ये प्रॉपर है. इली लंडन की ड्रेसेस मुझे ऐसा लगता है इस साइज में कि वो मेरे लिए ही बनी है. ऑनेस्टली स्पीकिंग आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो. इसमें आपको टील, येल्लो, रेड, जो प्योर रेड है वो, ब्लैक, ग्रीन, स्काई, नेवी ब्लू, एक ऑरेंजिश, एक टर्कोइश, इतने सारे कलर ऑप्शंस मिल जाता है. इसकी जो प्राइस है वो है जस्ट 799 रुपीस. उस बजट के हिसाब से मस्ट बाय है. सो गाइस अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ मेरी इस टाइम पे अमेज़न हॉल की मतलब जंप सूट हॉल के बारे में तो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा ये वाली जो इली लंडन की है, ये वाली जंप सूट, ये मैग्नेटिक वाली जंप सूट. अगर आपकी प्राइस रेंज ये है तो आप डेफिनेटली परचेस करो. और अगर आप शॉर्ट लेंथ में चाहते हो तो ब्लैक कलर वाली जरूर पिक करना. और अगर आप ले रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा सुनने में. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होगी मैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अगर आपको कोई भी ड्रेस इनमें से लेना है तो आप अपने लिए परचेस कर सकते हो. मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय.